पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संवाद एक कड़ी कार्यक्रम का आयोजन मिडलानी सेलिब्रेशन में किया गया। आधुनिक जीवन शैली और बदलती विचारधारा से प्रभावित होती हमारी भारतीय संस्कृति संस्कारों पर बच्चों शिक्षकों और परिजनों के साथ एक विशेष परिसंवाद आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मंचासीन मुख्य अतिथि सुंदर सिंह, प्रबंधक CNS अकेडमी कुचावली कांठोड और विशिष्ट अतिथि शिव मिगलानी, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर अजय अनुपम, वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर पूनम बंसल, वरिष्ठ शिक्षाविद लेखिका डॉक्टर SP सिंह, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक अरविंद चौधरी, डॉक्टर रंजना सिंह, प्रियंका सिंह प्रिंसिपल CNS अकेडमी उपस्थित रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन मुख्य अतिथि सुंदर सिंह के साथ अन्य सभी वरिष्ठ अतिथियों ने माता सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। सोच आपकी हमारी क्लब फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष ललित सैनी ने बताया, संवाद एक कड़ी अपनी सनातनी संस्कृति संस्कारों की अनुभिज्ञता के कारण प्रभावित होती वर्तमान पीढ़ी पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, डिप्रेशन, अग्रेसिवनेस, अंतर्मुखी होना इत्यादि के कारण वर्तमान पीढ़ी द्वारा उठाए जा रहे गलत कदम, सुसाइड क्राइम की तरफ रुझान का कारण तलाशने का वरिष्ठ नागरिकों, परिजनों, शिक्षकों और बच्चों के साथ मिलकर कार्यक्रम किया गया। करते हैं कि भाई शिक्षक भी अब शिक्षा भी अब कमर्शियल हो गई। वास्तविकता ये शिक्षा कमर्शियल भले ही हो गई हो, लेकिन आज भी जो कार्य एक शिक्षक करता है वो कार्य समाज का कोई भी वर्ग नहीं है, किसी भी दृष्टि से, ना इतनी ईमानदारी से, ना इतनी कर्तव्य निष्ठा से और ना इतने मन से। कोई भी किसी भी समाज का कोई भी वर्ग उठा करके देख लो आप कि वो आज भी यदि हम तुलना करें तो शिक्षक वर्ग जो है उनमें आज भी सर्वश्रेष्ठ। इसलिए जब तक हम अभिभावक गण बच्चों के अंदर ये भावना नहीं भरेंगे कि गुरुओं का सम्मान करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा उच्च स्थिति में रहेंगे। जैसे कबीरदास ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू का बलिहारी गुरु आपने गोविंद ही होता है। तो वही बात है कि वास्तविकता ये जो ये जो है कवित्व है ये केवल ये निर्देशित करता है कि गुरु ही है जो सबका स्थान निर्धारित करता है बच्चों के मन में। संवाद एक कड़ी कार्यक्रम है बच्चों की मनोस्थिति को जानने का। आज जो हम लोग बोलते हैं कि बच्चों के ऊपर एक ब्लेम लगता है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ जानने का प्रयास है संवाद एक कड़ी, जिसके लिए हमने टीचर्स को भी अपने साथ इन्वॉल्व किया है, परिजन भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नागरिक भी हमारे साथ हैं। और संवाद एक कड़ी का मेन उद्देश्य यही है कि आज जो बच्चों के ऊपर ब्लेम लग रहा है या बच्चे जो क्राइम की तरफ जिनका रुझान बढ़ रहा है या वो सुसाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, बच्चों के मन में ऐसे भाव क्यों आ रहे हैं, उनको जानने का एक प्रयास है संवाद एक कड़ी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।